गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। तो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 32। तो रेडी हो जाइए, रीड करते हैं क्वेश्चन को और उसका न्यूमेरिकल तैयार करके फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कौन सा क्वेश्चन कराने वाला हूं, मैं आप लोगों को कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 32 असाइनमेंट का, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। बच्चों कह रहा है, आरके लिमिटेड इश्यूड 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,44,000 शेयर, द डायरेक्टर रिजोल्व टू अलॉट एज फॉलोज। बच्चों हमने 1 लाख शेयर इश्यू किए हैं पर हम पे जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो रिसीव्ड हुई है 1,44,000 शेयर्स के लिए। यहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस लग रहा है और मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोराटा तभी लगेगा जब हमें ओवर सब्सक्रिप्शन का केस मिलेगा, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब बच्चों जितने हमने शेयर इश्यू किए हैं एप्लीकेशन उससे ज्यादा आई है हमारे पास। हमने शेयर इश्यू किया 1 लाख और एप्लीकेशन आई है हमारे पास 1,44,000, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बच्चों कि इन एप्लीकेशंस को डायरेक्टर्स ने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके प्रोराटा मेथड के अकॉर्डिंग अलॉट कर दिया। कैटेगरी ए ने अप्लाई किया था 80,000 शेयर्स के लिए बट उनको मिले हैं 60,000 शेयर। कैटेगरी बी ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था बट उनको मिले हैं बच्चों 40,000 शेयर्स। और कैटेगरी सी में 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था एप्लीकेंट ने, उनको एक भी शेयर्स नहीं दिया, निल, जीरो। उसके बाद कह रहा है बच्चों ठीक ठाक चल रहा था अभी तक। आगे कह रहा है, दीपक हु हैड अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर इन कैटेगरी ए and Rahul who was allotted 600 share in category B failed to pay the allotment money। देखो बच्चों क्वेश्चन ने कितनी चलाकी करी है, जो कैटेगरी ए से रिलेट करता है दीपक उसका तो अप्लाइड दिया है अलॉटेड नहीं दिया, और जो कैटेगरी बी से रिलेट करता है राहुल उसका बच्चों उन्होंने अलॉटेड दिया अप्लाइड नहीं दिया। तो हमें दोनों का रिवर्स फाइंड आउट करना है, जिसका अप्लाइड गिवन है उसका अलॉटेड फाइंड आउट करना है और जिसका अलॉटेड गिवन है उसका अप्लाइड फाइंड आउट करना है। ये दोनों के दोनों बच्चों अलॉटमेंट के टाइम पर फेल हो गए। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है आप लोगों को कैलकुलेट करना है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कि हमें अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव्ड हुआ, ठीक है ना। तो हमें ये कैलकुलेट करना है बट हम लोग ना बच्चों ये जर्नल एंट्री में कैलकुलेट करेंगे, हम जर्नल एंट्री बना के दिखाएंगे अलॉटमेंट पे हमें कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग तैयार करते हैं इसका न्यूमेरिकल। कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए हैं, ये लो बच्चों कंपनी ने इश्यू किए हैं 60,000 शेयर, ₹10 का एक है, ₹2 प्रीमियम यानी 12 पे, ठीक है, प्रीमियम के इंक्लूडेड यानी 12 पे। ये मेरा न्यूमेरिकल सेक्शन है बच्चों, मैं यहां पे आज न्यूमेरिकल बनाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा वर्किंग नोट प्रॉपरली यहां पे तैयार करूंगा, वो नीचे की तरफ आ जाता फिर दिखता नहीं है, ठीक है। और क्या कह रहा है सर, कंपनी ने 1 लाख इशू किए शेयर। मैंने 1 लाख ही बोला है, अच्छा ठीक है ठीक है, 1 लाख इशू किए हैं बच्चों, ठीक है ना। ये लीजिए, ठीक है बच्चों। चलो तो इसका न्यूमेरिकल तैयार करते हैं बच्चों। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, कंपनी ने इशू किए हैं 1 लाख शेयर, एक शेयर ₹10 का है जिसको ₹2 प्रीमियम पे इशू किया है, यानी टोटल बच्चों ₹12, ठीक है, प्रीमियम के साथ है। ₹10 का शेयर है, ₹2 प्रीमियम है, तो टोटल वैल्यू हो गए 12। कंपनी ने डिमांड कुछ इस प्रकार किया है बच्चों, पैसे जो मांगा है कंपनी ने मांगा है सबसे पहले ₹3 एप्लीकेशन पे, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन ने कह दिया कि भैया जो हम प्रीमियम ले रहे हैं ना वो अलॉटमेंट पे ले रहे हैं, तो बच्चों इसका मतलब इस अलॉटमेंट पे ₹2 तो प्रीमियम होगा इस ₹5 में से, तो बाकी बचा हुआ बैलेंस ₹3 वो शेयर कैपिटल का हो गया, ठीक है ना। ₹3 किसके हो गए बच्चों, ये शेयर कैपिटल के हो गए, ₹3 शेयर कैपिटल के किस पे, अलॉटमेंट पे। और वो कह रहा है बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बच्चों टोटल तो ₹12 का शेयर है, ₹3 हमने ले लिए, ₹5 यहां ले लिए, तो बचा कितना बैलेंस 4, ये लीजिए। तो ये हम डिमांड कर देंगे अपना फाइनल कॉल पे। हालांकि बच्चों क्वेश्चन में फाइनल कॉल की डिमांड हुई नहीं है, अलॉटमेंट तक ही हमने पैसा मांगा है और अलॉटमेंट में ही 2 शेयर होल्डर फेल हो गए हैं, बस हमें वहीं तक की कैलकुलेशन करनी है, तो ये तो हमने मांगा ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना। कंपनी ने ये कॉल्ड अप ही नहीं किया है। कंपनी ने बच्चों जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो 1,44,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, ये लीजिए एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई है, 1,44,000 एप्लीकेशन। और कंपनी ने इन एप्लीकेशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, कैटेगरी 1 यानी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। बच्चों कैटेगरी ए में जो अप्लाई करने वाले थे वो थे एप्लीकेशन वाले 80,000, जिनको कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 60,000 शेयर अलॉट किए। बच्चों अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया था पर उनको अलॉट कितने किए, सिर्फ 60,000। और कैटेगरी बी वालों ने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, जिनको हमने सिर्फ और सिर्फ 40,000 अलॉट किए थे, ठीक है। और कैटेगरी सी में जो एप्लीकेशन आई थी हमारे पास 4,000, जिनको हमने 0 शेयर्स दिए। बच्चों उन्होंने अप्लाई किया था कि प्लीज प्लीज कंपनी हमको 4,000 शेयर्स दे दो, हमने करा अरे शेयर्स तो तुमको बाद में देंगे, पहले तुम फॉर्म तो सही भर दो। मान लो सपोज मान लो बच्चों कि हमने प्रोराटा लगाया तो हम उन्हें भी तो दे सकते थे, बट उनने फॉर्म ही गलत भरा, भाई नाम ही अपना गलत भरा है, सारी डिटेल्स गलत भरी है, तो हम उनको कैसे शेयर्स दे सकते। तो उनको हमने क्या करा कि जिनको फॉर्म भी नहीं भरना आता इनको रिजेक्ट कर दो, तो उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने एप्लीकेशन मनी दिया था क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया था, हमने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो भाई उनका पैसा रिफंड कर देंगे हम लोग, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि उनको शेयर्स तो मिले नहीं, तो उनका पैसा भी क्या है हम लोग रिफंड कर देंगे। अब यहां तक सारी बातें सही चल रही थी बच्चों, पर इसमें एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है दीपक, ठीक है ना, एक शेयर होल्डर है जिसका नाम क्या है बच्चों, दीपक। ये लीजिए तो नीचे लिख देते हैं बच्चों, एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है दीपक, उसका अप्लाइड है 1,000 शेयर, ठीक है, और अलॉटेड है क्वेश्चन मार्क, ये लीजिए। और एक बच्चों दूसरा शेयर होल्डर है जो कैटेगरी बी से रिलेट करता है, जिसका नाम है राहुल, जिसने बच्चों हमें जो अप्लाई किया था उसका वो नहीं पता हमें कि अप्लाइड कितने के लिए किया था, बट अलॉटेड पता है कि अलॉटेड उसको 600 शेयर है। ये दोनों के दोनों शेयर होल्डर्स बच्चों प्रोराटा वाली कैटेगरी में, क्योंकि ए वाली कैटेगरी में भी प्रोराटा लग रहा है, बी वाली कैटेगरी में भी प्रोराटा लग रहा है, और ये दोनों के दोनों अलॉटमेंट पे फेल हुए हैं, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। दोनों के दोनों कहां फेल हो रहे हैं बच्चों, अलॉटमेंट पे। लीजिए तो इनकी भी बात करेंगे, बस बाकी सारे शेयर होल्डर्स हमारे अच्छे थे, यही दोनों ने गड़बड़ करी है, एक तो बच्चों इसने दीपक ने और दूसरा राहुल ने। जो दीपक है वो कैटेगरी ए से रिलेट करता है और जो राहुल है वो कैटेगरी बी से रिलेट करता है, बस ये तो हमारा क्वेश्चन का न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे बच्चों वर्किंग नोट, किनके लिए, जो लोग डिफॉल्टर है। सर क्यों प्रिपेयर करेंगे बच्चों, एक तो वो लोग डिफॉल्टर है, ठीक है, प्रो राटा भी अप्लाई कर रहा है और वो दोनों के दोनों अलॉटमेंट पे फेल हो गए, तो इसलिए हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना होगा। बट सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि दीपक के अलॉटेड शेयर कितने हैं और राहुल के अप्लाइड शेयर। तो लो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला तो सिखा ही दिया था, अप्लाई करते हैं बच्चों। दीपक के लिए सबसे पहले दीपक का अलॉटेड शेयर निकालना है, तो फॉर्मूला लगाते हैं इंडिविजुअल अप्लाइड, ठीक है,
तो इंडिविजुअल अप्लाइड कितना उसका 1000 इंटू ग्रुप का अलॉटेड, तो वो ग्रुप ए से रिलेट करता है, उसके ग्रुप का अलॉटेड है 60,000 शेयर और ग्रुप का अप्लाइड है 80,000 शेयर, तो ये आ गया उसका अलॉटेड शेयर। लीजिए 60,000 आगे बच्चों 750। लो जो चीज गिवन नहीं थी हमने फाइंड आउट कर ली, ये जो क्वेश्चन मार्क था ना ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि भैया उसने ना उसको ना अलॉटेड हुए हैं 750। बच्चों उसने अप्लाइड किया था 1000 शेयर्स के लिए पर उसको अलॉट हुए 750 शेयर। अब ऐसे ही आप लोग राहुल के लिए भी फाइंड आउट कर लो कि राहुल का हमें अप्लाइड पता लगाना है, अलॉटेड गिवन है बच्चों इसका, तो क्या फाइंड आउट करेंगे अप्लाइड, क्या फाइंड आउट करेंगे अप्लाइड, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इंडिविजुअल अलॉटेड, तो इंडिविजुअल अलॉटेड है 600 इनटू ग्रुप का अप्लाइड, तो ग्रुप का अप्लाइड है बच्चों इसका 60,000 डिवाइडेड बाय ग्रुप का अलॉटेड 40,000, तो लीजिए, तो बच्चों पता चल गया इसका 900 आ रहा है। लीजिए ये आंसर आया बच्चों 900, तो हमें पता चल गया यहां से कि उसने जो अप्लाई किया था वो 900 शेयर्स के लिए किया था, तो बच्चों दोनों का जो मिसिंग था वो हमने फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। तो चलिए रब कर देते हैं, जगह बचेगी हमारी, ये लो। हां जी अब मेरा काम बिल्कुल हो गया आसान, दोनों की सारी चीजें पता चल गई। अब मुझे ना ये पता लगाना है कि दोनों के दोनों अलॉटमेंट पे फेल हुए हैं, दोनों के दोनों कहां फेल हुए हैं अलॉटमेंट पे, तो दीपक ने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया और राहुल ने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया। तो चलिए सबसे पहले मैं ये कर रहा हूं बच्चों दीपक के लिए, लीजिए दीपक, ठीक है ना, हम लोग किसके लिए करेंगे दीपक के लिए, ये लीजिए, तो मनी रिसीव्ड बच्चों बिल्कुल ऐसे ही वर्किंग नोट आप लोगों को एग्जाम में भी बनाना है, इसलिए ध्यान से देखो ये वर्किंग नोट है मेरा सर, हम इसको शो करेंगे क्या, हाँ आप लोग अपने क्वेश्चंस के नीचे इसको रिप्रेजेंट करोगे कि मैम मैम देखो हमने वर्किंग नोट बनाया, ये वैल्यू कहां कहां से आ रही है वर्किंग नोट में मैम देखेंगे, ठीक है ना। तो लीजिए मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एज पर अप्लाइड शेयर, एज पर अप्लाइड शेयर, तो देखो भैया दीपक ने अप्लाइड किया था 1000 शेयर्स के लिए, तो बच्चों 1000 शेयर्स पे दीपक ने कितने के लिए अप्लाइड किया था 1000 शेयर्स के लिए, ये लो, तो 1000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, एप्लीकेशन मनी कितनी 3 रुपीज, यानी ये आया हमारे पास 3000, ठीक है ना, कितना आ गया 3000, ये लो। ठीक है अब हमने उसको अलॉट कितने शेयर, भाई उसने अप्लाइड किया था कि मुझे 1000 शेयर दे दो पर हमारे पास तो इतने शेयर्स नहीं थे, हमने तो प्रोराटा लगा के दिया था और वो ए ग्रुप में रिलेट करता था, तो उसको शेयर्स कितने अलॉट हुए 750, तो बच्चों हम उससे उतना ही पैसा ले सकते हैं जितने हमने उसको शेयर्स दिए, तो लीजिए मनी एडजस्ट करते हैं, लेस मनी एडजस्ट एज पर अलॉटेड शेयर टू हिम, एज पर अलॉटेड शेयर टू हिम, हमने उसको कितने शेयर अलॉट किए 750, तो 750 पे 3 रुपीज के अकॉर्डिंग हम उससे ले सकते हैं बच्चों सिर्फ और सिर्फ 2250 रुपीज, पर उसने तो हमें कितने रुपए दिए थे भाई, उसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो उसने कहा लो 3000 रुपीज ले लो मुझे 1000 शेयर्स दे दो, हमने कहा ना 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 1000 शेयर्स नहीं दे पाएंगे तुमको, तुमको देंगे 750 और 750 पे 3 रुपीज के अकॉर्डिंग हमने तुम्हारे 2250 रुपीज एडजस्ट कर लिए, तो आपका जो एक्सेस मनी है वो है हमारे पास 750, ठीक है। तो उसने कहा कोई बात नहीं आप ना ये पैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेना, मैंने आपको एडवांस में दे दिया, ये लीजिए बच्चों, तो मुझे रिसीव्ड हो गई एडवांस मनी,
ठीक है ना। अब ये पैसे मैं कहां एडजस्ट करूंगा, ये मुझे एप्लीकेशन पे एडवांस मिला है तो ये एडवांस एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे, यानी अगली कॉल पे। अगली कॉल क्या हमारी अलॉटमेंट है क्वेश्चन में, ये लीजिए। तो बच्चों यहां पे मेरा नोट वन प्रिपेयर होता है, ठीक है ना। अब मैं प्रिपेयर करूंगा नोट टू, ये लीजिए नोट वन मेरा प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो नोट टू स्टार्ट करेंगे। अब बात आएगी भैया एप्लीकेशन का हिसाब किताब तो हो गया, तो हम डिमांड करेंगे अलॉटमेंट के लिए। तो लीजिए मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब हम उससे कहेंगे कि भैया देखो बहुत महीने बीत गए, 3-4 महीने, लाइए अलॉटमेंट का पैसा दीजिए। तो 750 शेयर्स पे 5 रुपीज के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट का देना है बच्चों, ये देगा 3750 रुपीज। हम कहेंगे कि लाओ लाओ दीपक तुम्हारा टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, तुम्हें 750 शेयर अलॉट हुए थे तो उसपे 5 रुपीज के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट मनी 3750 रुपीज दे दो। तो बच्चों पता है दीपक क्या बोलेगा, सर याद करो कंपनी कंपनी, दीपक कह रहा है बच्चों, कौन कह रहा है, दीपक, दीपक कह रहा है कंपनी को कंपनी कंपनी याद करो मैंने आपको एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसे दिए थे। ओ कंपनी कह रही हाँ 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 हमको याद आ गया, कंपनी क्या कह रही है बच्चों, हाँ 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 हमको याद आ गया कि आपने तो एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसे दिए थे। कितने ज्यादा दिए थे, तो लीजिए लेस कर लेते हैं एडवांस मनी, जो उसने एडवांस मनी दी थी, कितनी दी थी बच्चों एडवांस मनी 750, वो एडजस्ट कर दिया। तो उसे अलॉटमेंट पे देने कितने रुपए हैं, अलॉटमेंट पे ड्यू है उसके अब 3000 रुपीज। बट वो पता है क्या कह रहा है दीपक, मैं नहीं देता कंपनी, जाओ जो मर्जी कर लो। हमने कहा ले भैया तू हो गया है फेल, इसका मतलब, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। हमने उसको 1000 शेयर्स दिए, उसने अप्लाई किया था दीपक ने 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 3000, बट हमने उसको प्रोराटा लगाया था, यानी शेयर्स कम मिले, एप्लीकेशन ज्यादा आई थी। हमने उसके 750 शेयर, जितने हमने शेयर उसको अलॉट किए। अच्छा इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये गिवन नहीं था कि दीपक को कितने शेयर अलॉट हुए, ये तो हमने फॉर्मूला लगाया है कि अप्लाइड से अलॉटेड कैसे निकलता है या अलॉटेड से अप्लाइड कैसे निकलता है, ये मैंने अपनी पहली क्लास में आप लोगों को सिखाया था जब हम प्रोराटा स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 750 एडवांस मनी दे दी। अब यहां पे बच्चों हमारे पहला नोट कंप्लीट हो गया था, तो हम बात करेंगे अगली कॉल की यानी अलॉटमेंट की। तो हमने उससे अलॉटमेंट पे डिमांड किया कि भैया तेरे को हमने 750 शेयर अलॉट किए थे तो 5 रुपीज के अकॉर्डिंग 37,500 दे दे। तो बच्चों दीपक आके कह रहा है कंपनी कंपनी मैंने आपको ज्यादा पैसे दिए थे एप्लीकेशन पे, तो कंपनी को याद आ गया, कंपनी ने कहा हाँ याद आ गया हमें, तो उन्हें 750 रुपीज ज्यादा दिए थे तो वो एडजस्ट कर लिए। तो भाई अभी भी तेरा बैलेंस जो ड्यू आ रहा है अलॉटमेंट के दाम पर वो 3000 आ रहा है। तो दीपक कह रहा है जो मैं नहीं देता, तो कंपनी ने कहा भाई ये तो फेल हो गया, ये पर्सन 3000 रुपीज देने में फेल हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों दीपक की कहानी हो गई खत्म, जहां पे वो फेल हुआ उसके बाद हमने उससे बात ही नहीं करी। मैंने कहा जो फेल हो गया उससे क्या बात किया जाए, तो बात करते हैं राहुल की। तो बच्चों वर्किंग नोट यही यूज होगा, लैंग्वेज यही यूज होगी, बस वैल्यू चेंज होगी। तो ये लीजिए राहुल के लिए, ठीक है ना। तो देखो राहुल ने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था बच्चों, इस क्वेश्चन में इसका अप्लाइड गिवन नहीं था, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो उसने अप्लाई किया था 900 शेयर्स पे 3 रुपीज के अकॉर्डिंग, हमें 2700 रुपीज दिए होंगे क्योंकि हमने उसको कितने, उसने अप्लाई किया था 900 शेयर्स के लिए, तो 900 पे 3 रुपीज के अकॉर्डिंग उसने हमें 2700 दिए। पर हमने उसको कितने शेयर्स दिए, हमने तो उसको सिर्फ 600 शेयर्स दिए। तो हम लेस करेंगे बच्चों, लेस करेंगे मनी एडजस्ट एज पर अलॉटेड शेयर टू हिम, हमने उसको कितने शेयर अलॉट किए 600, तो 600 पे हम लोग 3 रुपीज ही उससे एडजस्ट कर सकते हैं यानी 1800। तो इसका मतलब उसने हमें 900 एडवांस मनी दे दी, ठीक है ना। कितनी एडवांस मनी दे दी बच्चों, एडवांस मनी दे दी 900।
उसने हमसे 900 शेयर के लिए अप्लाई किया था, पर हमने कहा राहुल हमारे पास इतने शेयर नहीं है, हम तुमको सिर्फ 600 शेयर देंगे। तो 600 पे 3 रुपीज के अकॉर्डिंग हमने उसका अमाउंट एडजस्ट कर लिया, तो उसका एक्सेस मनी यानी बच्चों उसने एडवांस मनी पे कर दिया हमें 900। ठीक है, तो हमारा पहला नोट कंप्लीट हो गया यहां पे, ये लीजिए। अब हम उससे अलॉटमेंट पे पैसा मांगेंगे, हम कहेंगे हम कौन, कंपनी, बच्चों कंपनी कहिए राहुल से, राहुल राहुल अलॉटमेंट का टाइम आ गया, आपके 600 शेयर पे 5 रुपीज के अकॉर्डिंग आप 3000 रुपीज दे दीजिए। तो पता है राहुल क्या बोलेगा, कंपनी कंपनी याद करो मैंने आपको एप्लीकेशंस पे ज्यादा पैसे दिए थे। हम कहेंगे ओहो हो हमें याद आ गया, कितना ज्यादा दिया था बच्चों, वो हम एडजस्ट कर लेंगे 900। तो अभी भी इसका कितना बैलेंस ड्यू है, 2100। हमने कहा हमें आपसे अलॉटमेंट पे 3000 रुपीज चाहिए, तो राहुल ने कहा कंपनी कंपनी हमने आपको ज्यादा पैसे दिए थे एप्लीकेशन पे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कंपनी ने वो एडवांस मनी 900 रुपीज एडजस्ट कर लिए, तो आपको 2100 रुपीज देने हैं अभी भी। तो राहुल कहने लग गया कंपनी कंपनी जाओ हम नहीं देते। हमने कहा कोई बात नहीं, ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। बस बन गया बच्चों हमारा वर्किंग नोट, अब कुछ भी नहीं करना, अब सिर्फ आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है। एक चीज और देखो, यहाँ पे 80,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी पर मिले थे 60। ठीक है, एप्लीकेशन आई थी 80 के लिए पर मिले थे 60, तो यहाँ पे 20,000 एप्लीकेशन ज्यादा मिले थे और जिस पर हमें एप्लीकेशन मनी भी ज्यादा मिली थी। यहाँ पे 60,000 एप्लीकेशन आई थी पर हमने 40,000 शेयर अलॉट किए, यानी यहाँ पे भी 20,000 एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन मनी ज्यादा आई है। तो यही तो है हमारा कॉल इन एडवांस, ठीक है ना, इसको एडजस्ट करेंगे। लीजिए तो एंट्री करते हैं बच्चों, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बच्चों हमें एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 1,44,000, ये लीजिए। तो 1,44,000 पे 3 रुपीज के अकॉर्डिंग हमें कितना पैसा रिसीव्ड हुआ, 1,44,000 पे 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 4,32,000 रुपीज। ठीक है, 4,32,000 रुपीज, ये लीजिए। अब हमने शेयर्स कितने दे सकते हैं बच्चों, हम 1,00,000 से ज्यादा शेयर्स नहीं दे सकते, तो चलिए हम अपने एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करते हैं, ये लीजिए। तो शेयर कैपिटल एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कॉल इन एडवांस, जो पैसा ज्यादा आ गया है, कॉल इन एडवांस टू बैंक। ओहो सर ये बैंक क्यों भाई, जब पैसा मिला था तो बैंक डेबिट हुआ था, अब इन लोगों को तो शेयर्स दिए ही नहीं है, इनको तो रिजेक्ट कर दिया है, तो इनका पैसा भी तो वापस कर दो ना। लीजिए तो जो हमें रिसीव हुआ 4,32,000 रुपीज, जिसमें से शेयर कैपिटल पे हमने जितने शेयर इशू किए हैं इससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते एप्लीकेशन का, ये लीजिए। 1,00,000 शेयर्स पे 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 3,00,000, और यहां पे बच्चों 20,000 एप्लीकेशन ज्यादा है, यहां पे 20, तो हमारा कॉल इन एडवांस कितना आया, 40,000 शेयर्स पे 3 रुपीज यानी 1,20,000, और जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया उनका पैसा वापस कर दो, ये लीजिए 4,000 पे 3 रुपीज यानी 12,000। अब बिल्कुल सही कर रहे होगे तो डेबिट क्रेडिट अपने आप इक्वल आ जाएगा बच्चों, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप इक्वल होगा ये, बिल्कुल सही करने पे, ठीक है ना। लो तो हमने एप्लीकेशन रिसीव्ड करी और एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर भी कर दिया, और जो हम पे ज्यादा आया था वो एडजस्ट कर लिया, जिनको शेयर्स नहीं मिले थे उनको रिफंड कर दिया। अब हम क्या डिमांड करेंगे, अब हम डिमांड करेंगे बच्चों अलॉटमेंट के लिए, तो चलो अलॉटमेंट डिमांड करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है ना बच्चों। अलॉटमेंट में हम डिमांड करेंगे 1,00,000 शेयर्स पे 5 रुपीज यानी 5,00,000,
देखो ना अलॉटमेंट 5 रुपए की है जिसमें बच्चों 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज तो शेयर कैपिटल का है यानी 3 लाख और 2 रुपीज प्रीमियम का है यानी टोटल वैल्यू होगी 2 लाख। ये लो ये तो बच्चों हमने डिमांड किया है, हमने अलॉटमेंट पे 1 लाख शेयर पे 5 लाख रुपीज की डिमांड करके कॉल्ड किया है, ठीक है ना। तो लीजिए अब अमाउंट रिसीव्ड होने की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बच्चों आपने अलॉटमेंट पर डिमांड किया 5 लाख तो आना भी चाहिए 5 लाख, कितना अलॉटमेंट का आना चाहिए 5 लाख, ये लीजिए ठीक है। माइनस, सर माइनस क्यों, हमने अलॉटमेंट पे डिमांड किया था 5 लाख तो आने भी तो 5 लाख चाहिए। हाँ बच्चों मैंने यही तो बोला, हमने अलॉटमेंट पे अपने शेयर होल्डर से 5 लाख रुपीज मांगा है तो हमें मिलने भी 5 लाख चाहिए। माइनस, माइनस क्यों, अरे हमें ना 1,20,000 पहले ही मिल गए थे कॉल इन एडवांस ये वाला, तो ये दोबारा थोड़ी ना मिलेंगे बच्चों, तो माइनस कर देते हैं 1,20,000 माइनस। सर कॉल इन एडवांस समझ आ गया कि जो पहले पैसा मिला था अलॉटमेंट के नाम पे वो अब नहीं मिलेगा तो आपने वो माइनस कर दिया। हाँ भाई मैंने वो ही माइनस किया, पर सर आपने फिर माइनस क्यों किया, क्योंकि बच्चों अलॉटमेंट पे सबने पैसे दे दिए, एक दीपक ने 3,000 रुपीज नहीं दिए, एक राहुल ने 2,100 रुपीज नहीं दिए, तो टोटल 5,100 रुपीज ये नहीं मिले, ठीक है ना बच्चों। जो पैसे नहीं देते हैं उन्हें कॉल इन एरियर्स कहा जाता है, ये लीजिए 5,100, और बच्चों जिन्होंने पहले पैसे दे दिए थे उनके पैसे को एडजस्ट किया गया है तो उसको कहते हैं हम लोग कॉल इन एडवांस। तो देखो कॉल इन एडवांस यहां पे क्रेडिट हुआ और यहां पे डेबिट होके एडजस्ट हो गया, ये लीजिए ये मिला है हमें 1,20,000 और हमें रिसीव्ड कितना हुआ तो ये माइनस कर लेते हैं तो हमें रिसीव्ड हुआ बच्चों 3,74,900। तो एक बार और 5 लाख में से 120 क्या माइनस 5,100 ये लीजिए 374,900। तो बच्चों हम लोग क्या कहेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अलॉटमेंट पर हमें 3,74,900 रुपीज रिसीव्ड हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, और इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है आप लोगों के, बस उसमें एक दो एंट्री और करनी होती है बच्चों और 8 मार्क्स में आता है। बट हाँ मेरा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू था इस क्वेश्चन को कराने का वो आप लोगों को प्रोराटा का जो वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं यानी प्रोराटा में जो पैसों का हिसाब को एडजस्ट किया जाता है जनरल एंट्री में सिर्फ वो डिस्कस करना था, ठीक है ना। तो जल्दी से इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर